कौन सी चीज है जो विले जरा भी नहीं करते? विले, विले दिखने से बेहतर है विले रहो। हाल ही में चंडीगढ़ करे आशिकी के साथ ही एक और फिल्म सिनेमा घरों में आई है, नाम है विले। कब बनी, कब आई, क्यों बनी, किसके लिए बनी, कुछ नहीं पता। विले फिल्म में अभय देओल के साथ मौनी रॉय है और सनी देओल के बेटे करण देओल भी हैं। साधारण सी फिल्म है और साउथ फिल्म का रिमेक है। वैसे तो कॉमेडी फिल्म है, मगर आजकल लोग इससे ज्यादा कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी शो देखकर मजे लेते हैं। तो क्या है फिल्म की कहानी? ऋषि सिंह यानी अभय देओल एक फिल्म मेकर है और महत्वाकांक्षी है। एक पॉपुलर एक्ट्रेस है रोहिणी, जिसके रोल में मौनी रॉय है। ऋषि के पास एक स्क्रिप्ट है, वह रोहिणी को R3 गैंग की कहानी सुनाता है। R3 यानी राहुल, रेम्बो और राजू, ये तीनों स्कूल के अच्छे बच्चे हैं। इस गैंग में एक लड़की रिया यानी अन्या सिंह की एंट्री होती है। R3 अब R4 बन जाता है। रिया स्कूल प्रिंसिपल जाकिर हुसैन की बेटी है। रिया के पास एक प्लान है। कहानी में आगे तीन क्रिमिनल्स है, किडनैपिंग है और जान बचाकर भागती हुई लड़की है। भागदौड़ में अफरा तफरी है और इस अफरा तफरी में कई तरह की गलतियां जो कई मौकों पर हंसाती है, मगर सिर्फ हल्का फुल्का यानी कॉमेडी के नाम पर कुछ नहीं है। डायरेक्टर देवेन मुंजाल एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हम पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हैं। हालांकि तेलुगु फिल्म ब्रोचेवरे वरुरा की रिमेक होने के बावजूद देवेन और स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर पंकज कुमार ने इसे हिंदी में ढालने में मेहनत की है। फिल्म में नए चेहरे हैं और करण देओल इसमें फ्रेशनेस लेकर आते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रिया अपने प्लान पर तीनों दोस्तों के साथ काम पर जुटती है। तीनों दोस्तों को उसकी फर्जी किडनैपिंग करनी है और प्रिंसिपल पापा से पैसे ऐंठने हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन तभी कुछ गुंडे सच में रिया को किडनैप कर लेते हैं। अब 10 लाख की फिरौती देनी है और पैसे तो है नहीं। रिया को बचाने के लिए R3 गैंग तरकीबें निकालता है, लेकिन गलतियां उनकी कुंडली में है। तीनों विले दोस्तों की तरकीबें और रिया को बचाने की कोशिशें कहानी को आगे बढ़ाती हैं। जो लोग वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ले पाए, ऐसे ही आलसी खाली बैठे लोगों के लिए है ये फिल्म। फिल्म का संगीत थोड़ा बहुत टाइम पास कराने की कोशिश करता है, लेकिन मामला म्यूजिकल हो नहीं पाता। मुट्ठी भर परिवारों के बीच फंसे सिनेमा को ऑक्सीजन दिलाने के लिए एक तरफ आयुष्मान खुराना जैसे कलाकार ट्रांस गर्ल से प्रेम करने वाली कहानी चंडीगढ़ करे आशिकी कर रहे हैं, और इधर देओल परिवार इतनी वेले फिल्म लेकर आया है। मतलब कुछ भी, अगर आप सच में ही वेले हैं तो ये फिल्म देख सकते हो। अगर आपका टाइम कीमती है तो इस फिल्म से 2 की दूरी बना लेनी चाहिए। डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास में ही फ्लॉप हो जाने वाले धर्मेंद्र के पोते करण देओल को फिल्म विले करने का आइडिया जिसने भी दिया, करण की नया को और डुबा दिया है। पापा सनी पहले ही डायरेक्टर बनकर करण को आते ही फिल्मों में विला बना चुके हैं। हमारा देओल फैमिली ने खूब मनोरंजन किया है। धर्मपाजी की फिल्म देखकर हमारी पीढ़ी बड़ी हुई है और उसके बाद सनी देओल ने कमाल की फिल्में बनाई हैं। धर्मेंद्र को चाहने वाले करोड़ों में है, सनी को भी लाखों लोग चाहते हैं। अब करण की ऐसी फिल्मों के चक्कर में देओल परिवार की चाहत हजारों में आ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। बॉबी देओल ने भी लंबे वक्त बाद आश्रम से वापसी करके दिखा दिया कि बंदे में है दम। अभय देओल ने कई अच्छी फिल्में दी हैं और कम बजट की फिल्मों में भी वो चॉइस एक्टर है, क्योंकि अपने दम पर वो फिल्म को हिट करने के पावर रखते हैं। मगर वेले ने देओल परिवार के चाचा अभय और भतीजे करण की जोड़ी को नकार दिया है। यकीनन अभय देओल एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो मेनस्ट्रीम एक्टर के तौर पर नहीं देखे जाते। करण को धड़ाधड़ फिल्में करने की जरूरत भी नहीं है, उनको पहले एक अच्छा सा कलाकार बनने की जरूरत है। मौनी रॉय उर्फी जावेद, पायल रोहतगी जिस तरह न्यूज में बने रहने के लिए मेहनत करती हैं, मौनी को उतना ध्यान एक्टिंग पर देने की खासी जरूरत है। माना कि टीवी पर उनका एक बड़ा दर्शक वर्ग है, लेकिन विले जैसी फिल्म में उनकी एक्टिंग के बाद ऐसा ना हो कि मौनी खुद वेली हो जाए। अभय तो फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस ही लगे हैं और मौनी का रोल भी उतना नहीं है, लेकिन सीनियर एक्टर होने के नाते स्क्रीन पर उनसे काफ़ी उम्मीद की जाती है। सावन सिंह और विशेष तिवारी ने बेहतर काम किया है और अन्या सिंह ने अपना काम बखूबी किया है।